दोस्तों, अगर आपका अकाउंट यूनियन बैंक में, आप यूनियन बैंक का ऑनलाइन चेकबुक अप्लाई करके लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूनियन बैंक के ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे ही ऑनलाइन चेकबुक अप्लाई करके ले सकते हैं। यूनियन बैंक अपने कस्टमर को यह सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप घर बैठे ही चेकबुक अप्लाई करके ले सकते हैं, और आपको लगभग 1 से 2 वीक के अंदर में आपके घर पे न्यू चेकबुक डिलीवर भी कर देगा यूनियन बैंक। तो कैसे चेकबुक अप्लाई कीजिएगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग वाले साइट पे चलना होगा और आपको नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, ऑलरेडी डिटेल पूर्वक वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम कर चुके हैं, यहाँ से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे। आप कैसे कीजिएगा, डिटेल पूर्वक वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, हम यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग में सक्सेसफुल लॉगिन कर गए। आप भी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप यूनियन बैंक के मोबाइल ऐप से चेकबुक अप्लाई करके लेना चाहते तो आप अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल पूर्वक वीडियो बना हुआ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो नेट बैंकिंग से अप्लाई करने के लिए इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अकाउंट का आप देख पाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए अकाउंट समरी का, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा चेकबुक अप्लाई करने के लिए। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल गया एक एक्शन का, आपको इस एक्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे एक्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक की जाए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेकबुक रिक्वेस्ट का, आपको यहीं से चेकबुक अप्लाई कर लेना होगा। जैसे आप इस चेकबुक रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको कुछ अपना डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे देखिए ब्रांच, आप किस ब्रांच से अपना चेकबुक अप्लाई कर लेना चाहते हैं, तो ब्रांच ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा जब अपना ऐसे अकाउंट नंबर सिलेक्ट कीजिएगा। तो अकाउंट नंबर पहले से सिलेक्ट रहता है, आपको फिर से वही अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका नाम ऑटोमेटिक फिलअप होगा। उसके बाद कहाँ पर आप अपना चेकबुक मंगाना चाहते हैं, अपने होम ब्रांच में या फिर अपने घर वाले एड्रेस पे, देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे सिलेक्ट करने का, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका देखिए होम वाला जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद क्या आपको कितने पेज का चेकबुक मिलेगा, यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप यहां से एक बार में 20 पेज का चेकबुक अप्लाई करके ले सकते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा। रिमार्क ट्रांजैक्शन में आप कुछ फिलअप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए जिसमें स्टार लगा हुआ उसको फिलअप करना अनिवार्य है, जिसमें स्टार लगा हुआ नहीं उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। देखिए चेकबुक नंबर में स्टार लगा हुआ इसको फिलअप करना अनिवार्य था, ये ऑटोमेटिक फिल भी हो चुका है। उसके बाद देखिए एड्रेस भर के भी स्टार लगा हुआ इसको भी फिलअप करना अनिवार्य था। उसके बाद नीचे में आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करूँगा, देखिए आपका अकाउंट यहाँ से सोचेगा, आपको अपना फिर से अकाउंट नंबर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इसी अकाउंट से आपको चेकबुक का चार्ज पे करना होगा। जितना भी आपको चार्ज देना तो इसी अकाउंट से आपका चेकबुक चार्ज कटेगा। उसके बाद के नीचे में कुछ पढ़ने के लिए भी मिलेगा, देखिए चेकबुक विल बी डिलीवर टू कम्युनिकेशन एड्रेस एज पर डिस्प्ले एवं, आपको इसी एड्रेस पे आपका चेकबुक डिलीवर किया जाएगा जो एड्रेस डिस्प्ले पे शो हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इनकेस एड्रेस मोनिटाइज इज नॉट करेक्ट, यदि आपका एड्रेस सही नहीं तो आप अपने नियरेस्ट के ब्रांच में जाकर के अपना एड्रेस करेक्ट कर सकते हैं, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप यदि ऑनलाइन करना चाहिए तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको नेट बैंकिंग वाले प्रोफाइल सेक्शन में जाकर करना होगा। कैसे कीजिएगा, डिटेल पूर्वक वीडियो कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। तो चेकबुक अप्लाई करने के लिए फिर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए सबमिट ऑनलाइन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको आपका फिर से डिटेल शो हो जाएगा, तो आप अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा। नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा फिर से रिमार्क, आप जो भी फिलअप करना चाहते आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने का। तो नेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन करने के दरमियान जो भी अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाए होंगे वही ट्रांजैक्शन पासवर्ड इसमें आपको डाल देना होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आपको फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक किया यहाँ से आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ले लिया जाएगा यूनियन बैंक के तरफ से, और जो भी चार्ज रहेगा वो आपके अकाउंट से इंस्टेंट में अभी के अभी आपके अकाउंट से चार्ज भी काट लेगा और आपका चेकबुक डिलीवर भी कर देगा। लगभग आपको 1 से 2 वीक वेट करना होगा, आपके घर पे डिलीवर भी कर देगा यूनियन बैंक एक न्यू चेकबुक। यदि आपका अकाउंट किसी और बैंक में आप उसका चेकबुक अप्लाई करके लेना चाहते हैं, कैसे अप्लाई कीजिए आपको पता नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसके ऊपर प्रॉपर जानकारी देखने के लिए मिल जाएगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा पे फॉलो करके डायरेक्ट हमसे बात करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।